एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ नंबर करेंगे, ओके। उसमें हमें क्वाड्रिलेटर ही बनाना है, तो देखो क्या बना हुआ है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटर, हमें क्वाड्रिलेटर ही बनाना है। और उसमें क्या बनाना है, रोम्बस बेस्ट, BEST, रोम्बस बनाना है। उसमें ये मेजरमेंट दी हुई है, सबसे पहले हम रफली समझे भाई, इस तरह हम समझे, ये समझो हमारा ये क्वाड्रिलेटर है, नाम दे देते हैं BEST, ठीक है, BEST। इसमें आपको BE मिला हुआ है, BE कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और ET मीन्स ये होगा TE या ET, वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हमें क्या बनाना है, रोम्बस। तो रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, ये जो चारों साइड है BE, ES, ST, TB, ये जो है जो भी साइड्स हैं वो सबकी मेजरमेंट, क्योंकि BE हमें 4.5 है, तो ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 होगा, और ये भी 4.5 होगा। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो अभी देखो किस तरह बनाओगे, सबसे पहले TE, हम टी एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जो आपको डायगोनल दिया हुआ है, उसको नाम देंगे TE, 6 सेंटीमीटर बनाएंगे इसके एहतियात से, ठीक है, 6 सेंटीमीटर बनाया। इसके बाद राउंडर कितना बोलोगे, 4. अभी देखो ये TE के साइड S है और TE के साइड B पॉइंट है, तो ये TE बनाया, मतलब ऊपर हमें S पॉइंट चाहिए और नीचे B पॉइंट चाहिए, इस हिसाब से करेंगे। तो राउंडर कितना बोलोगे, 4.5 सेंटीमीटर, सब में 4.5 है, तो 4.5 है राउंडर, 4.5 बोलो, टी पे रखो, एक और ऊपर बनाओ, एक और नीचे बनाओ, टी पे रखे, 4.5, ठीक है। फिर वही मेजरमेंट 4.5 ई पे रख के आर्क ऊपर बनाओ और नीचे बनाओ, ई पे रख के, ठीक है, ऐसे आर्क बनेगी, ई पे रखोगे तो फिर दोनों जहां पे टच हो रहे हैं यहाँ पे एस पॉइंट दे दो, क्योंकि TE के साइड एस है, और यहाँ पे बी नाम दे दो, अभी स्केल से मिला दो, TS एंड SE, इसी तरह TB एंड BE, इस तरह स्केल से मिला दो, तो ये जो आपका बन गया ये रोम्बस बन गया, ओके। तो इस तरह का हमने ये रफली किया, अभी हम नोटबुक में करेंगे, अच्छी तरह समझ में आएगा, ओके। तो अभी हमें रोम्बस बनाना है, रोम्बस BEST ये बनाना है, जिसमें आपको मेजरमेंट दी हुई है, BE की मेजरमेंट क्या है 4.5 एंड ET की मेजरमेंट क्या है 6 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने ये रफली बनाया, आपको समझ में आया इसकी वजह से, BEST, ठीक है। फिर आप देख सकते हो BE की जो मेजरमेंट है वो 4.5 दी हुई है हमें, 4.5, एंड ET मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हो ये TE या ET जो भी बोलो, वो हमें क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने ये सिर्फ रफली बनाया, और रोम्बस में मैंने आपको क्या बताया, रोम्बस में जो चारों साइड होती है वो इक्वल होती है, यहाँ पे 4.5, BE 4.5 है तो ES भी 4.5 होगा, इसी तरह ST भी 4.5 होगा, ठीक है, इसी तरह TB वो भी 4.5 होगा, सब चारों साइड जो है रोम्बस में चारों साइड सेम होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, TE बनाएंगे, और TE कितना बनाना है हमें, 6 सेंटीमीटर बनाना है, ठीक है। तो ये आपको नहीं बनाना है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, देख सकते हो 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से इस तरह हमने ये 6 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट बना दी, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देंगे, एक को टी दे देंगे एंड दूसरे को ई दे देंगे, ठीक है। आप देख सकते हो TE के इस साइड हमें क्या चाहिए, S चाहिए, और TE के नीचे क्या चाहिए, B पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। तो और सब 4.5 है, तो राउंडर जो है मैं 4.5 सेंटीमीटर खोलूंगा, तो आप देखो 4.5 सेंटीमीटर पहले ओपन करें हम, तो देखो इस तरह हमने 4.5 सेंटीमीटर ओपन किया, ठीक है। तो 4.5 सेंटीमीटर खोला, अभी क्या करूँगा, चारों साइड सेम है, 4.5 चारों साइड सेम है, तो क्या करना है, ई पे रख के आर्क बनानी है ऊपर, इस तरह 4.5 है तो आपको एक ही बार बनाना है, इसी तरह टी पे भी बना के एक आर्क ऊपर बनानी है, ठीक है, इसी तरह नीचे भी बनानी है टी पे रख के ही, और ई पे रख के भी एक ऊपर और एक नीचे भी बनानी है, ठीक है, इस तरह करना है आपको। क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ई पे रख के एक आर्क बनाई ऊपर एंड नीचे, इसी तरह टी पे रख के एक आर्क बनाई नीचे और ऊपर और नीचे, और वही मेजरमेंट वही रहने वाली है 4.5 जो है वही रहने वाली है,
क्योंकि चारों साइड की सेम जो है मेजरमेंट जो है वो सेम है 4.5। तो इस तरह ये जो दो आर्क मिली हमें ऊपर, एक ऊपर मिली और एक नीचे, दोनों जो पॉइंट है टच हो रही है, मींस आर्क जो टच हो रही है, तो इसको क्या नाम दूंगा मैं, एस नाम दूंगा ऊपर जो है, ठीक है, एस नाम दूंगा, और जो नीचे है उसको क्या नाम दूंगा, बी नाम दूंगा। ओके, फिर इसके बाद स्केल से हमें सिर्फ मिला देना है। टी को देखो इस तरह मैं एस से मिला दूं, टी को एस से मिला दूं, इसी तरह एस को ई से मिला दूं, ठीक है, एस को मैंने ई से मिला दिया। फिर इसी तरह बी को ई से मिलाना है एंड बी को टी से मिलाना है, ठीक है, इस तरह सब मिला देना है। और इसमें क्या होगा, ये चारों जो है 4.5 आएंगी। तो इस तरह हमारा ये रॉम्बस बन गया, बी ई एस टी। तो यहाँ पे हमारा ये सब कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।